हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सर, तो सर इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सर हम जो आपके लिए NTA नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 के लिए अपना जो ऑनलाइन बेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, मेरा मानना है कि सर ये क्वालिटी कंटेंट है इसको बनाने में, क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रात रात भर जगना पड़ता है, लेकिन सर मेरे मानने से कुछ नहीं होता। अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू सर, कि अगर आपको रियल में लगता है कि यस क्वालिटी है, यस एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, यस मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो ही सर वो यूजफुल होंगे, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं होंगे। तो इससे अच्छा कि आप पहले हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको कंटेंट कुछ और मिले, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ना मिले, जितनी आपको एक्सपेक्टेशन थी क्वालिटी की उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले। काफ़ी बार हो रखा है स्टूडेंट के साथ जिन्होंने बाकी जगह के ऑनलाइन वगैरह परचेज किए हैं कि नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे थे सर, इस टाइप के। तो पहले आप पूरा पूरा कंटेंट खुद देखिएगा, खुद क्वालिटी को परखिएगा कि यस किस तरह से नोट्स वगैरह बनाए गए हैं, मेरे को क्या मिलने वाला है, और आफ्टर दैट जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए तभी सर आप नोट्स के लिए कॉल कीजिएगा 8003-10111-4 के ऊपर सर। तो चलिए बिना किसी देरी के सर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस बार इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का बिल्कुल एकदम अपडेटेड इनकम टैक्स जो कि आपके दिसंबर 2019 के लिए एप्लीकेबल होगी, कौन सा एप्लीकेबल होगा सर? आपके लिए असेसमेंट ईयर 19-20 आपके लिए एप्लीकेबल होगा, दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए सर। और इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कह भी रखा था कि यार आप एक बार नोट्स अपडेट हो जाए तब आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स के अंदर चेंजेस आए हैं, एक बार उनको कर ले अच्छे से, आफ्टर दैट अगर आप परचेज करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहले भी उनको सेल आउट कर सकता था, प्रॉफिट तो सर मेरा ही था, लेकिन अगेन हमेशा सर यही कोशिश रही है कि सर जिस भी स्टूडेंट्स के पास नोट्स पहुंचे वो परमानेंट हमारे साथ जुड़ा रहे, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगे कि यार है ना हमको तो बस सर को कुछ रुपए कमाने थे इसलिए सर ने हमको जो नोट्स अपडेट भी नहीं थे वो ही हमको सेल आउट कर दिए। तो जब भी मैं नोट्स वगैरह सेल आउट करता हूँ तो पूरा का पूरा सबसे पहले सामने वाले को सब कह के ही सेल आउट करता हूँ, ताकि बाद में उसको किसी भी तरह का रिग्रेट ना हो, बाद में उसको किसी तरह का दुख ना हो। जब अपडेटेड हो चुके हैं, चाहे हम थोड़ा सा लेट हो गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे सर वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेट हो गए सर थोड़ा सा है ना, फिर भी सर अगेन कह सकता हूँ क्वालिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इनकम टैक्स के जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं दिसंबर 2019 नेट एग्जाम के लिए, उनका रिव्यू सर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये आपके लिए कौन सी यूनिट है सर? आपके लिए यूनिट 10 है, और यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर सर 19-20 एप्लीकेबल होगा, 2019-20 असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एप्लीकेबल होगा सर, ठीक है ना। अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था सर उसके अंदर 2018-19 एप्लीकेबल हुआ था, और इस बार दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर 2019-2020 एप्लीकेबल होगा सर, ना कि 2020 और 2021 जो वो 5 लाख वाली लिमिट थी ना वो वाला ना होकर 2019-2020 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये बात आप सबसे पहले सर माइंड में रख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स है उसको मैंने टोटल मिलाकर 13 पार्ट्स के अंदर किया है। बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा, रेजिडेंटल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, और फिर हेड ऑफ इनकम के अंदर जो आपके पांचों हेड आते हैं वो आ जाएंगे, और इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड्स इन द एसएससी की इनकम के अंदर आ जाएगा, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा, TDS आ जाएगा, एडवांस टैक्स एंड TCS आ जाएगा, और जो भी फाइल वगैरह रिटर्न करने से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं वो आ जाएंगे, इसमें अभी जो सहज आया है उसको भी इंक्लूड किया गया है, टैक्स प्लानिंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए 116 MCQs दिए गए हैं, और पिछले साल के जो MCQs हैं नेट एग्ज़ाम के और सेट एग्ज़ाम के जून 2019 तक सभी को सर इंक्लूड किया गया है। ये इन MCQs को सर मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज भी इंक्लूड किया है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, और एंड के अंदर सर ये आपके लिए जब टॉपिक वाइज पूरे हो जाएंगे तो एंड के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से इनको करना है, और लास्ट के अंदर जो भी नया टॉपिक ऐड हुआ है इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, वो आपके लिए रहेगा सर। तो अब
सर आप इतना कह रहे हो कि सर नोट्स के अंदर टॉपिक वाइज है। देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज किस तरह से है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए करवाया, तो इस बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है वो मैंने आपको सर यहाँ पर बता दिया। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? यस, अब आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपका माइंड यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है तो माइंड आपका जाएगा ही जाएगा, और आप इस पॉइंट को इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से सर रीड आउट करोगे, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ोगे सर, है ना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो गई। आफ्टर दैट जैसे कि कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर लिखे कि भाई इनकम टैक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं कि सर बेसिक सोर्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर जो रेट्स वगैरह होती है वो कहाँ पर मैंसन होती है, और सीबीडीटी के अंदर मैक्सिमम मेंबर कहाँ कितने होते हैं, और ये कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ में जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है सर वहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर दी, ताकि जब भी आप ये सोर्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको जब आप एमसीक्यू सोल्व करोगे तो आपका माइंड केवल और केवल माइंड जो है स्पेशली इन पॉइंट्स के ऊपर भी जाएगा, माइंड जो है इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि सर ये क्या हो रखे हैं एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। और अगर वापस अगर इन टॉपिक से ये क्वेश्चन रिपीट होने के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर वापस इन्हीं टॉपिक से ये क्वेश्चन रेज होते हैं तो डेफिनेटली सर आप सही कर लोगे, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे थे आफ्टर दैट आपने यहीं पर इसके एमसीक्यू किए तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज थे वो आपको पता चल गए, तो आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर आप नोट डाउन कर लेते हो सर, है ना। डेफिनेशंस वगैरह लिखी है आपने, और डेफिनेशंस वगैरह लिखने के बाद में इन डेफिनेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो आ गया सर यहाँ पर आपके लिए। रेट्स वगैरह लिखी, रेट्स वगैरह लिखने के बाद में रेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब समझिए आप टॉपिक रहेगा, टॉपिक के बाद में उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज रहेंगे जो कि पिछले साल के एग्जाम में आ रखे हैं, प्लस अदर एमसीक्यूज रहेंगे सर आपके यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, है ना। रिबेट वगैरह पढ़ी, रिबेट से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पर आ गया, और जैसे कि आपने यहाँ पर लोकल अथॉरिटी के लिए एलएलपी के लिए 30% होता है, इससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू आ गया, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका इसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सर हर टॉपिक के बाद में मैंने क्या किया है एमसीक्यू को इंक्लूड किया है। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में जो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है जो देखो और यहाँ पर पूरा का पूरा जो ध्यान है वो आपका जाएगा उस पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट पॉइंट के जो टॉपिक से उसके ऊपर, और सेकंड आपको साथ ही साथ नॉलेज आपके साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे पिछले साल के नेट एग्जाम के एमसीक्यूज और सेट एग्जाम के एमसीक्यूज सर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डाला, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डाल दिया ताकि जब आप इस एमसीक्यू को करो तब आपको पता चल जाए कि बिल्कुल पता चल जाएगी कि यार इससे कैसा क्वेश्चन आने वाला है, कि हेल्थ एजुकेशन सेस की रेट क्या है, ये किसके ऊपर लेवी होता है, ये किसके ऊपर लेवी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रखा था जून 2012 के अंदर आ था, उस समय तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं था तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो अलग था सर, है ना। लेकिन मैंने उसको क्या किया, हेल्थ एंड एजुकेशन जो अभी जो प्रेजेंट जो आपका इनकम टैक्स का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया सर, इसको अपडेट कर दिया। बाकी वाले जितने भी जो क्वेश्चन होंगे सर वो पूरी तरह से अपडेटेड होंगे एज पर द असेसमेंट ईयर 1920 सर, सभी क्वेश्चंस को असेसमेंट ईयर 1920 की। देखो यहाँ पर भी कर्नाटका सर 2013 में पूछा गया था, उस समय तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन को भी मैंने अपडेट कर दिया है एज पर द असेसमेंट ईयर 1920। तो जितने भी जो क्वेश्चन हैं पुराने वाले उनको भी सर अपडेट किया है 1920 के अकॉर्डिंग, ताकि आपको उन क्वेश्चन को करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और अच्छे से बात बताऊँ, मतलब जितना भी जो लिखा गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। क्यों सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बार बार कह रहे हो, क्योंकि सर अगेन पढ़ाना किसको है, मेरे को ही है। जब मैं नोट्स ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाऊंगा तो उसके बाद में सर पढ़ाने वाली जो बात रही वो कैसे हो पाएगी सर, वो तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उसमें या तो फिर बाद में पढ़ाने के अंदर क्या आएगी सर, प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा पूरी की पूरी मेहनत सर मैं स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ, इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि मेरे को पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आपके लिए पूरा का पूरा ये जो नोट्स है वो पूरी पूरी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये सर स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर एक टेबल बनाई है जहाँ पर आप जीएवी किस तरह से कैलकुलेट करते हो, जीएवी किस तरह से कैलकुलेट करते हो, एनएवी किस तरह से कैलकुलेट करते हो वो आपने यहाँ पर लिखी है।
और फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्यूशन, चौथा क्वेश्चन इससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन, पांचवा क्वेश्चन इससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद में इन्हीं पैटर्न के ऊपर, इन्हीं पैटर्न के ऊपर एग्जाम के अंदर आए हुए एमसीक्यू। तो आपको पता चलेगा कि सर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो बीकॉम एमकॉम आईपीसीसी की तरह इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो जीएवी और एनएवी से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन थे पहले मैंने प्रैक्टिस करवा दी, और प्रैक्टिस करवाने के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी जो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ रखे थे वो आपको सर एक साथ ही सोल्व करा दिए। तो आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी खत्म हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज थे वो वापस मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट डाउन कर दिया, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी यहीं पर कर सको सर। तो कहने का मतलब है कि आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आपके लिए रेज हुए हैं वो सारे के सारे सर इंक्लूड कर दिए गए हैं, उसका फ़ायदा अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे ये टॉपिक था, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू था वो यहाँ पर आ गया, फ़ायदा अगेन आपका उस टॉपिक के ऊपर जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि यस इस टॉपिक से इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग की क्या करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर सर मैं आपका ध्यान दूँ तो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं नोट्स के अंदर, तो मतलब कि लॉर्ड्स ऑफ एमसीक्यूज, इतने एमसीक्यूज कि मैं आपको कह सकता हूँ, ये भी मैं आपको बात कहता हूँ कि आपको इनके अलावा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी जो एमसीक्यूज आ रखे हैं सर वो सब एक जगह के ऊपर ही रख दिए हैं, ताकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तो इन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ें, और इन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम ओरिएंटेड वे के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ें। और अगेन कह रखा है सर जून 2019 तक जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे के सारे आपके नोट्स के अंदर शामिल रहेंगे, सारे के सारे आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो बिल्कुल अभी तक के जितने भी जो एग्जाम के क्वेश्चन आ रखे हैं नेट और सेट के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मैटर आपको यहां पर प्रोवाइड होगा सर। तो बिल्कुल आप चेक कीजिएगा पहले क्वालिटी हमारी, और अगर कंपेयर करना चाहो तो सर दूसरों के साथ तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी उनकी, और आफ्टर दैट ही डिसीजन लीजिएगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। नोट्स वगैरह के लिए आप सर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8003100111 के ऊपर, और उसके लिए मैंने नोट्स रिलेटेड एक वीडियो भी बना रखा है, वो वीडियो भी आप सर जरूर से पूरा का पूरा देखिएगा सर, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम सर।